मधुमक्खियां तो ये फूल पे ही मंडरा रही है, क्या करूं, कैसे भगाऊं इन्हें। इन्हें स्प्रे से ही भगाना होगा, लेकिन अगर मैं कमरे में स्प्रे लेने गई तो ये वहां भी आ जाएंगे, क्या करूं मैं। एक ही तरीका समझ आ रहा है मुझे, मैं स्प्रे लेके आई और मधुमक्खियां भाग गई। जय खाटू महाराज। मधुमक्खियां तुम्हारा धागा उतारने की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से भागी है, क्योंकि ये फूल अब उनके किसी काम का नहीं है। इस केमिकल की वजह से ये फूल जल्दी सूख जाएगा और खाटू श्याम जी महाराज की कृपा तुम पर खत्म हो जाएगी, तभी तो मेरा काम पूरा होगा। Yes, perfect. Perfect. अब उसकी फोटो ले। हाँ, ये बहुत कलरफुल भी है। Yes. चाचू, मैं बाहर जाके भी थोड़े पिक्स क्लिक कर लेती हूँ। ओके, एक मिनट रुको। ये लो। आराम से। जाओ। निहार जी, मैं पूछ रही थी कि आज खाने में हो गया। पूजा का फूल मुरझा गया है, अब तो अनोखी शक्ति आराम से रुचिता के अंदर जा सकती है। रियू अब चलो, रियू चलो अब। चाचू बस एक और चाची की। रियू प्रिया, प्रिया बस करो, बस एक और। बहुत हो गई फोटोज, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। हाँ। रुचिता तुम भी आके हमारी मदद कर दो ना।
ये रुचिता कहाँ चली गई? प्रिया का प्रोजेक्ट बनवाने भी नहीं आई। उसे बताना था कि उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, खुश हो जाएगी। ये वोल्टेज को क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है? रुचिता, रुचिता ये क्या कर रही हो तुम? चुप! रुचिता क्या कर रही हो? चिल्ला क्यों रहा है? चलिए ना, चलकर देख कर आते हैं। रुचिता क्या कर रही हो? होश में आओ रुचिता। रुचिता होश में आओ। चुप, हटाओ उसे मान यहाँ से, हटाओ उसे। रुचिता हटाओ, मुझे ये सजावट नहीं पसंद, मुझे ये देख के गुस्सा आ रहा है। पूनम क्या हो गया रुचिता को? कहीं इस पर भूत भूत तो नहीं चढ़ गया? अरे कुछ नहीं माँ जी, सब नौटंकी है इसकी। रुचिता रुक जाओ, देखो सब चीजें टूट रही है, तुम्हें भी चोट लग सकती है ना यार। भैया क्या हो गया इसे? पता नहीं भाभी। रुचिता क्या कर रही हो तुम? रुचिता नहीं, रुचिता भगवान, निहार को कहीं कुछ हो ना जाए। क्लीम क्लीम चामुंडा खुल जा सोहा, क्लीम क्लीम चामुंडा खुल जा सोहा। क्लीम क्लीम चामुंडा खुल जा सोहा। निहार जी, ये हंटर आप ठीक है ना? ये हंटर मेरे पास कैसे आया? मैं क्या कर रही थी? तुम इस हंटर से पूरे घर का सामान तोड़ रही थी। अपना मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूँ। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक ये बर्ताव। मैंने इतना कुछ कर दिया और मुझे कुछ याद भी नहीं है निहार जी। रुचिता तुम साफ साफ बताओ, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है या फिर तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो याद न होने का? क्योंकि आज तो तुम्हें सारी हदें पार कर दी, किसी को कुछ हो जाता तो? पापा जी मैं जानबूझकर ये सब क्यों करूंगी? मैं क्यों किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, अभी भी वक्त है, संभालो अपने आप को, जाकर किसी दिमागी अस्पताल में अपना इलाज करवाओ, लेकिन ये रोज रोज का नाटक बंद करो। आप इसे अभी भी एक और मौका देने की बात कर रहे हैं? अरे इसकी नौटंकियों ने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। आज दिन भर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन देखिए अब इसने तमाशा खड़ा कर दिया। अरे मैं तो कहती हूँ जब तक आप इसे इसके मायके नहीं भेजेंगे, इसकी ये नौटंकियां खत्म नहीं होने वाली। कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में हम सब एक बड़ा नुकसान उठा बैठे। फिर इसका इसी तरह से चलता रहा ना तो वो फैसला भी लेना ही पड़ेगा।
दूसरी बार नींद खराब हुई है इस लड़की की वजह से आज। कभी दिन में मुसीबत, कभी रात में मुसीबत, चैन से जीने भी नहीं देगी लड़की हमें। निहार जी, निहार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम पे भरोसा है मुझे रुचिता, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात खत्म करके आता। फिर से मैंने वही गलती की, जबकि मुझे लगा था कि मेरे पास खाटूश। ये फूल तो सूख गया है, और उसके बाद ही मैंने गलती की। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। शायद मेरे को किसी का बुरा साया या कोई अनोखी शक्ति के असर की वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने शक को यकीन में कैसे बदलूं? उस दिन कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और ना ही मुझे कुछ नॉर्मली नजर आ रहा है। मैं क्या, ये यूवी लाइट वाला कैमरा है, इसमें जो फोटो आएंगे ना, इनमें वो सब देखेगा जो हमें नॉर्मल लाइट से नहीं दिखती। प्रिया का यूवी कैमरा, उसमें वो सब नजर आता है जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। और आखिरी बार मैं उसके साथ ही फोटो खिंचवा रही थी। अगर वहां पे कुछ आया होगा तो उस फोटो में जरूर आया होगा। इसमें तो कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव एक केमिकल में डालने से क्लियर होता है। पापा क्या करते थे, मैं भी ट्राई करती हूँ। ये तो कोई काला सा है, जिसे जिसे कोई भूत या अनोखी शक्ति। ये मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं, ये काली चूड़ियां क्यों पहनी मैंने? वो मैंने देखा था कि रुचिता ने एक हाथ से ऐसे पेट उठा रखा है। ये झूमर टूटकर किसी के आंख नाक कान मुंह में घुस जाता तो क्या होता? मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो नींद में या तबीयत खराब की वजह से नहीं, बल्कि अनोखी शक्ति के असर में किया। हे भगवान, मैं क्या करूं, किसे बताऊं मैं? मुझे किसी को बताना पड़ेगा। ये रुचिता, क्या हुआ तुम्हें? रुचिता उठो, क्या हुआ तुम्हें? रुचिता,
यार बेटा, इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं दादी, शायद मेरी परछाई से डरकर बेहोश हो गई। रुचिता, निहार भैया आप एक काम करिए, आप इसे कमरे में ले जाइए। अगर इसे जल्दी होश नहीं आया ना तो हम डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ हाँ भाभी। पता नहीं किस चीज की फोटो है, देखती हूँ। पूनम, समझ भी नहीं आ रहा कि रुचिता को अचानक क्या हो गया। हम उसे एक बार पंडित जी को दिखा लेते हैं। मैं बात करती हूँ पंडित जी से। हाँ कर लेना जरूर, और अभी चलो यहाँ से, नरेश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलिए आओ। गुड मॉर्निंग, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पहले से बेहतर है। थैंक यू। थैंक यू क्यों? हर हाल में मेरा हाथ थामे रखने के लिए। ऑफ कोर्स रुचिता, मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अनोखी शक्ति को खाना बहुत पसंद है। सफेद रंग इनका मनपसंद रंग होता है और सूरज की रोशनी में इन्हें पकड़ा जा सकता है। रात में ये बहुत शक्तिशाली होती है और इन्हें पानी पानी या कांच में देखा जा सकता है। मैं ये सब अभी निहार जी को तो नहीं बता सकती, इसलिए जो भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। और मेडिकल रिपोर्ट्स में तो सब कुछ नॉर्मल रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो अनोखी शक्ति के प्रभाव में किया है मैंने। जब तक मेरे हाथ में पूजा का फूल था तब तक वो मेरे पास भी नहीं आई थी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं वो फूल बांध लेती हूँ। लेकिन वो फूल तो मुझसे कभी भी दूर जा सकता है। और अगर वो अनोखी शक्ति मेरे अंदर नहीं जाके किसी और के अंदर चली गई तो मैं खुद को या बाकी सबको कब तक बचाती रहूंगी? अनोखी शक्ति को बॉटल में कैद किया जा सकता है। मुझे कोई बॉटल ढूंढनी होगी। निहार, प्रतीक और प्रतीक के पापा को ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। बड़ा तमाशा करने का सही वक्त है ये। और इस तमाशे के बाद घर में हर कोई रुचिता को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा। उस आर्टिकल में लिखा था कि जब अनोखी शक्ति आपके अंदर जाती है तो ये नमक काला हो जाता है। उस आर्टिकल में लिखा था कि जब अनोखी शक्ति आपके अंदर जाती है तो ये नमक काला हो जाता है। बहुत जोर से क्या हुआ? मेरी कमान। गिर गए। क्या हुआ? गिर कैसे गए? गिर गए बेटा। क्या हुआ? क्या
क्या बताऊं मैं कैसे गिर गई। गलती से मुझसे चादर में सॉस गिर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं धो लूं। मशीन में तो दाग साफ नहीं होते हैं, इसलिए मैंने सोचा हाथ से गर्म पानी से धो लूं। अब मेरे बाथरूम का गीजर खराब था, तो मैंने सोचा निहार के बाथरूम में जाकर धो लेती हूँ। तो बस वही जा रही थी मैं, मेरा पाँव फिसल गया। अच्छा कोई बात नहीं, आइए उठिए, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। सोनम कौन सी उम्र है हाथ से चादर धोने की, किसी और को कह देती। मैं किससे कहती माँ जी, ऋतुप्रिया में बिजी रहती है। रुचिता की तबीयत खराब है, बचा कौन, नौकर एक नंबर के निकम्मे हैं सारे के सारे। माँ अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ, मैं धो देती हूँ। अरे नहीं बेटा, निहार को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं माँ मैं उन्हें समझा दूंगी, आप प्लीज मुझे धोने दीजिए। पक्का? उफो बेटा जी, ये चादर ना गर्म पानी में ही धोना, ठंडे पानी में ना साफ नहीं होते। ठीक है आप आराम से जाइए। पापा जी आप रुचिता, दरवाजा खोलो, खोलो, निकालो मुझे यहाँ से, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पापा जी आप रुचिता, दरवाजा खोलो, खोलो, निकालो मुझे यहाँ से, दरवाजा खोलो। Get up!